नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक बहुत स्पेशल कैंडिडेट सोनाली, जिन्होंने लास्ट ईयर एक नहीं दो रिक्रूटमेंट्स क्लियर किए थे, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट और साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क का भी रिक्रूटमेंट। आरआरबी के लिए ऑलरेडी इनकी प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट हो चुकी है और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी अभी कुछ ही दिनों में प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वगैरह सब ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आज सोनाली से हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या डिफिकल्ट चैलेंजेस, जो जो डिफिकल्टीज फेस की, चैलेंजेस फेस किया, उनको कैसे ओवरकम किया, क्या सोर्सेस थे और बाकी जरूरी चीजें जो आप लोगों के लिए बड़ा यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले सोनाली, वेलकम, थैंक्स अ लॉट यार टाइम निकालने के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सर। सोनाली, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हल्का सा खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, कितने समय से आप प्रिपेयर कर रहे थे वगैरह वगैरह, बेसिक बेसिक चीजें। जी सर, मेरा नाम सोनाली गुप्ता है, मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ, बीएससी किया है मैथ्स एंड केमिस्ट्री से 2019, एंड मैंने फैब 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले एग्जाम एसबीआई क्लर्क टारगेटेड था बट ड्यू टू सम मार्जिन वो क्लियर नहीं हो पाया, देन मैंने सारे एग्जाम आगे आगे दिए, उसके बाद आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क फाइनली क्लियर हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग से बात करते हैं, जैसे कि आपने 2020 में प्रिपरेशन, मतलब लगभग आपको साल एक हो गया था, है ना, साल भर का आपने प्रिपरेशन, है ना, वन ईयर का लगभग। अच्छा, अभी भी आप पीयू के लिए ट्राई कर रहे हो क्या, प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? यस सर, यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो अपने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहले अपने बिगिनर्स के लिए बात करते हैं, जो बच्चे इस साल ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनके लिए आपके क्या क्या सजेशंस होंगे, क्या क्या चीजें आपने फॉलो की, वो थोड़ा सा बिगिनर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताइए। सर बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तो सर एक टॉपिक के बेसिक क्लियर कर ले, जो भी टॉपिक है एक बार नोट डाउन कर लीजिए रीजनिंग के, मैथ्स के, कि ये टॉपिक आने हैं प्रीलिम्स में और उनके बेसिक्स पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे कि सर रीजनिंग में मैंने आपसे ही क्लियर किए थे सारे बेसिक्स जो आप क्लासेस लेते थे, और मैथ्स के लिए भी बेसिक्स क्लियर कर लिए, कैलकुलेशन वगैरह की प्रैक्टिस की रोज डेली। उसके बाद सर मॉक टेस्ट, जब बेसिक क्लियर हो गए देन मॉक टेस्ट देना शुरू किया, उससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। मॉक टेस्ट जब हम देना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो रहती है, जैसे जैसे हम आगे देते जाएंगे तो प्रैक्टिस और होती जाएगी। अच्छा, मॉक्स का थोड़ा सा सुनाली, बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग जो करते हैं उनकी ये डाउट होता है कि कितने समय बाद मॉक देना स्टार्ट करें, क्योंकि पहली बार जब वो मॉक देते हैं तो उनके नंबर बहुत कम आते हैं, जिसके कारण डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार इतना सर मार्क्स ही नहीं आ रहे, देने का मन ही नहीं करता, उनके लिए क्या सजेशन? सर पहले 1.5 मंथ तक पहले बेसिक क्लियर करिए, जो भी सर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके कि ये टॉपिक आने हैं सर प्रीलिम्स में, उनको सारे क्लियर कर लीजिए 1.5 मंथ में, उसके बाद सर मॉक देना बिगिनर्स को स्टार्ट करना चाहिए। शुरू में मार्क्स कम आएंगे बट उससे हमें डिमोटिवेट नहीं रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मॉक्स के लिए आपने बता ही दिया, इसके लिए बता दिया, अब चलिए थोड़ा प्रिपरेशन के एडवांस स्टेज पे चलते हैं, प्री का। लेट्स सपोज कि कोई स्टूडेंट है, प्री सर अब क्लियर हो जाता है, प्री में इतना इशू नहीं आता, बट मेंस हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट बनता जा रहा है, मेंस में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाता है, अच्छा क्या कट ऑफ से काफी गैप अब भी रह रहा है, तो मेंस के लिए क्या फिर आप सजेशन रहेंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट सारे सब्जेक्ट का बताना, सारे जो भी है सर। मेन स्कोर तो प्री के साथ हमें लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सर जब प्री के रिजल्ट के बाद तो सर हम लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है कि मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर सके, तो प्री के साथ हमें मेंस को लेके चलना है सर। जैसे करंट अफेयर्स हमें डेली कवर करना है, जब नोटिफिकेशन आता है उसके पहले से 6 महीने पहले से हमें डेली करंट अफेयर कवर करना है डेली, उससे हमारा करंट अफेयर का पोर्शन हो जाएगा एंड बैंकिंग भी हो जाएगी। रीजनिंग के लिए सर डेली आपकी सर मैंने मेंस की क्लासेस ली थी, एम3 मेंस कोर्स, उसको सर डेली सारी क्लासेस जितनी भी प्लेलिस्ट थी उसको कंप्लीट एक एक क्लास करके कंप्लीट कर लीजिए, उससे हमारी रीजनिंग का मेंस तो सर पूरा हो जाएगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है अलग से।
उसको डेली एक एक सेशन लेना है, उससे सर मेंस सारा क्लियर हो जाएगा। सेम सर मैथ्स के लिए डीआई हमें डेली मेंस की सॉल्व करनी है, डेली बेसिस पे 2 DI और 2 पजल डेली बेसिस पे मेंस की हमें सॉल्व करनी है। इंग्लिश के लिए भी सर फ्री के साथ ही मेंस के भी सर जो पैसेज होते हैं और जो मेंस का क्लोज टेस्ट है, इन सारी चीजों को मेंस के फ्री के साथ ही हमें मेंस को लेके चलना है। तो मेंस का जैसे इंग्लिश का, इंग्लिश का जैसे कि आप कितना क्या करते थे, कि रीडिंग का ज्यादा करते थे, ग्रामर ज्यादा करते थे, क्या करते थे? सर पहले ग्रामर के सारे रूल्स एक बार कर लिए, क्योंकि सर बैंक में ग्रामर का उतना रोल रहता नहीं है, रीडिंग का सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन रहता है। ग्रामर के एक बार रूल्स कर लिए, उसके डेली बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल करना ही करना है, जिससे हमारी रीडिंग हैबिट बिल्ड होगी। तो हिंदू का आप कहाँ से करते थे, हिंदू के लिए क्या कोई वो उनके ऑफिशियल से? निमिषा मैम से। अच्छा, निमिषा बंसल मैम से आप करते थे। चलो, वेरी गुड। अच्छा, जैसे रीजनिंग का आप बता रहे, तो रीजनिंग में आप मेरी क्लास जैसे अटेंड करते, तो मैंने जैसे एक सेशन में 2-3 मिसलिनियस के सेट्स करा दिए, 2 पजल के सेट करवा दिए, उसके अलावा खुद से भी अलग से आप प्रैक्टिस किया करते होंगे ना, कि मॉक वगैरह में? सर मॉक जब प्री का एग्जाम हो जाता था उसके बाद मेंस के मॉक देने रहते थे। उससे पहले तो सिर्फ आपका कोर्स M3 मेंस कोर्स ही किया, उससे ही सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती थी। उससे सफिशिएंट। तो फिर जैसे मॉक्स आपने फिर बाद में दिए, मॉक्स जो दिए थे वो आप क्या उसमें कैसे रखते थे, मतलब उस, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मॉक जिस दिन देते हैं उस दिन फिर बाकी चीज तो ही नहीं पाती, क्योंकि मॉक करना फिर उसको एनालाइज करना, कुछ बच्चे कहते हैं सर उसी दिन तो एनालाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, थक जाते हैं, तो एनालाइज भी अगले दिन ही पूरी तरीके से हो पाता है, तो आप कैसे दिया करते थे मॉक्स? सर मैं जब प्री का एग्जाम रहता था उसमें वीक में एक मॉक मेंस का देना रहता था और प्री के 2 मॉक्स हर दिन, क्योंकि प्री के मॉक की ड्यूरेशन कम रहती है, मेंस के मॉक की ज्यादा होती है, तो वीक में एक मॉक उसको एनालाइज कर लिया एक दिन और एक दिन मॉक दे दिया। जब प्री का एग्जाम खत्म हो जाता था उसके बाद मेंस के लिए सर फिर डेली बेसिस पे मॉक देना, एक दिन मॉक दिया, अल्टरनेट डे पे मॉक देना और उसके बाद एनालाइज। सपोज मंडे को मॉक दिया तो ट्यूजडे को उसको एनालाइज आराम से, क्योंकि सर उस दिन करेंगे ना तो थोड़ा हेक्टिक ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के लिए क्या आपने फॉलो किया, किन को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, सारी चीजें? सर मैंने करंट अफेयर्स को सर पिछले 2 साल से सर आशीष गौतम सर को Under 24/7 अच्छा उनको ही फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, और कैसे उनके मतलब कैसे आप डेली वाली क्लास लगाते थे या वीकली का प्रिपरेशन करते थे, कितना टाइम कितना देते, क्योंकि बच्चों के कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि सर रोजाना 3 घंटे हम जनरल अवेयरनेस करते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ यार 3 घंटे जनरल अवेयरनेस करोगे तो फिर बाकी टाइम फिर क्या पढ़ोगे? जी सर, सर मैंने सर रोज वो सर 7 AM पे क्लास लेते हैं डेली करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे ही। अच्छा, सर वो कम्प्लीट करते थे सर, उस क्लास में वो न्यूज भी कवर करते थे और रिविजन भी करवाते थे पिछले न्यूज। तो फिर आपने खुद ने जैसे आपने क्लासेस तो सारी कंप्लीट की, और क्लास कितने कितने आवर की होती थी, घंटे भर की, 1.5 घंटे की, कितने? 1 आवर की 1 घंटे। हाँ, तो 1 घंटे की क्लास, उसमें आपका रिवीजन भी हो गया साथ साथ आपने पढ़ भी लिया, तो आपने खुद के भी कोई नोट्स वगैरह बनाए थे कि उन क्लासेस को देख के जिनको आपने बाद में रिवाइज किया? सर मैं डेली करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाती हूँ हर दिन के, जो भी सर न्यूज इम्पोर्टेंट है उनको नोट डाउन भी कर लिया, जिससे एग्जाम के पहले पिछले 6 महीने का पूरा रिवीजन कर लिया खुद से वो। अच्छा अच्छा, और सर तो करवा ही देते हैं। तो नहीं, पर ये जैसे आप इनके सर की क्लासेस से ही नोट्स बनाते थे या कोई और भी सोर्स था जिससे कि आप नोट्स बनाते थे? सर की क्लासेस से। अच्छा, सर की क्लासेस से, और उन नोट्स को ही फिर आप बाद में रिवाइज कर लेते थे पेपर्स? जी, जी, जी। और कितना दिन में, घंटा 1.5 घंटा इतना ही देते थे ना करंट अफेयर्स के लिए? 1.5 hours। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस तरह से आपने किया। वैसे आपने जब जैसे कि दोनों एग्जाम आपने क्लियर किए, तो दोनों एग्जाम्स में जैसे लेट्स अपने बात करते IBPS क्लर्क की, IBPS क्लर्क का तो लेवल भी अच्छा रहता है एग्जाम का, काफी RRB क्लर्क तो काफी आसान रहता है,
बट आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम का लेवल सभी सब्जेक्ट्स में काफी अच्छा रहता है। तो आईबीपीएस क्लर्क में आपने क्या स्कोर किया था, आपकी स्कोरिंग क्या थी, जैसे कि रीजनिंग में क्या स्कोर किया था आपने? सर रीजनिंग का मुझे एक्चुअली याद तो नहीं है। अच्छा तो नहीं, पर आपका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मैथ, पॉइंट में सर मैंने 35 से 40 के बीच में स्कोर किया था। ओहो इतना ज्यादा, बहुत बढ़िया है जी सर। तो मैथ्स में ही काफी अच्छा हो गया। अच्छा तो और सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? सर वीक तो ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जब ऐसा पूछ लिया जाता है जो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है। हाँ जी, तो जी, वो थोड़ा हो जाता है, बाकी सर वीक तो बहुत ज्यादा कोई नहीं है। अच्छा सब एवरेज सब्जेक्ट है। अच्छा जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर मेरे इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मेरा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जनरल अवेयरनेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करोगे? और वो कहते हैं कि सर हमने बहुत कोशिश कर ली बट उसमें एक पॉइंट के बाद अब इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इसको कवर अप करने के लिए? सर जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए हमें रीडिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है, क्योंकि सर बैंकिंग में रीडिंग हैबिट्स अगर अच्छी है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए तो हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अच्छा तो हिंदू पढ़िए, आप कितना रीडिंग करते थे, जैसे कि जनरल भी कैसे इंग्लिश? सर मैं सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल को एक घंटे देती थी, उसके बाद सर निमिषा मैम से अनअकैडमी पे परफेक्शन बैच की क्लासेस 1.5 आवर की रहती है वो हर रोज कंसिस्टेंटली। अच्छा अच्छा बस वो इतना काफी करी है, बहुत सफिशिएंट है सर। अच्छा इम्प्रूवमेंट सर जरूर आएगा एक समय के बाद उसको करने से। अच्छा अच्छा लगातार रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। और मैथ्स के लिए भी जैसे आपका आपके हिसाब से जैसे मेंस है, क्वांट्स का मेंस सेक्शन है जैसे, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई ये होता है कि सर डीआई पे फोकस करें कि अर्थमेटिक पे फोकस करें, क्या क्या करें, मतलब कोई एक को पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या कहेंगे जो इसमें फंसे हुए कि ये कर लूंगा तो वो नहीं करना पड़ेगा, वो कर लूंगा तो ये नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए क्या सजेशन? सर अर्थमेटिक, सर डीआई में भी अर्थमेटिक कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस पूछ लिया जाता है, परसेंटेज पूछ लिया जाता है, डीआईएसआई अर्थमेटिक के बेस पे ही सर डीआई भी बनती है। तो अगर सर अर्थमेटिक को सबसे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो सर डीआई सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि हम अर्थमेटिक को तो छोड़ नहीं सकते हैं, डीआई में भी वही पूछा जाता है, तो अर्थमेटिक तो सर करना ही करना है पहले बेसिक, उसके बाद सर डेली बेसिस पे हम डीआई सॉल्व करेंगे। अच्छा जी सर। डीआई में जैसे कि बच्चों को इतनी परेशानी क्यों होती है कि क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों इतना उनको सर कुछ डीआई जो है वो थोड़ा सा टिपिकल पूछती जाती है मेंस में। अच्छा। जो सर समझ में नहीं आती कि कहां से हमें स्टार्टिंग करनी है, लेकिन अच्छा। सर कुछ डीआई ऐसी भी होती है जो हमें इजीली डोएबल होती है, सर उनको ही हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। एक दो डीआई तो सर ऐसी होती है जिन्हें हमें स्किप करना ही करना है, अगर सर उनमें टाइम दे दिया तो बाकी सर सॉल्व नहीं हो सकते फिर क्वेश्चन। सही बात है। अच्छा क्वांट्स में भी फिर ऐसा सेक्शन रहता है जो अटेम्प्ट करने लायक होता है, बस उसे ढूंढ के उसे पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत। जी। अब जैसे रीजनिंग में बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर पजल ना करें तो क्या मिसलिनियस से मार्क्स आ जाएंगे, मिसलिनियस ना करें सिर्फ पजल करें तो उससे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपका क्या, आपने क्या अटेम्प्ट था, आपका क्या रहता था जनरल रीजनिंग के अंदर क्या सर, सिर्फ एक चीज करने से तो सर नहीं आ सकते मार्क्स, से मिसलिनियस अकेले करने से भी नहीं स्कोर अच्छा हो सकता है, ना ही सर सिर्फ पजल अकेले करने से, क्योंकि कभी कभी पजल भी ऐसी आ जाती है जो नहीं बनती है उस टाइम, लेकिन मिसलिनियस बन जाता है, तो सर हमें दोनों को अप्रोच करना है। बस ये हमें पता करना है कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन करना है एग्जाम में, कौन सा नहीं करना है। बिल्कुल करेक्ट है जी सर। तो बेसिकली मैटर टाइप नहीं करता, मैटर लेवल करता है कि जो इजी है उसको ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है, टाइप मैटर नहीं करता कि मिसलिनियस है पजल है। सर जब आप पढ़ाते हैं ना सर मिसलिनियस के कोर्स में सर वो पता चल जाता है कि हमें ये वाली अगर पजल आनी है तो हमें ये स्किप करनी है। बिल्कुल सही है वेरी गुड। अच्छा इसके अलावा और बाकी जो जनरल सजेशन, जो जनरल डाउट्स बच्चों के रहते हैं, एक तो सबसे पहले कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए कैंडिडेट को, तो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे पढ़ा करते थे? सर घंटों से फर्क नहीं पड़ता,
कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बस ये है कि हमारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए जो हमने डेली का टारगेट बनाया हुआ है। ओके ओके वो सर जितना भी, सर जितनी भी आवर पढ़ो वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए कि आप 4 घंटे या 6 घंटे, ये सब देख के नहीं सर, जितना हमने टारगेट बनाया है कि आज हमें ये करना है वो सारा कंप्लीट करना है, वो चाहे सर 6 घंटे में हो या 4 घंटे में। बिल्कुल करेक्ट, मतलब जितने देर पढ़ो उतनी देर अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि बीच में टाइम जी पास कर रहे हो, ये मोबाइल में कुछ जी करने सर, लग गए, कुछ मैच देखने लग गए या कोई फुल गेम खेल लग गए। कंसंट्रेशन के साथ। जी हाँ, फुल सर, कंसेंट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एडवाइस है। अच्छा, इसके अलावा और भी जो डाउट रहते हैं, जैसे कि सोनाली अपने जैसे पीओ वाले एग्जाम्स में क्या रिजल्ट रहा था आपका, जो अपने सर आईडी। RRB PO का एग्जाम दिया था सर, उसमें फाइनल रिजल्ट कुछ मार्जिन से नहीं हो पाया, 1 point कुछ समथिंग, बाकी सर एग्जाम तो ठीक हुआ था, इंटरव्यू भी ठीक हुआ था, बस कुछ मार्जिन से नहीं हुआ फाइनल। सर और IBPS और SBIPO। वो दिए नहीं इस बार एग्जाम, अब देंगे क्योंकि क्यों? सर SSC के एग्जाम भी लाइंड अप थे CGL, इस वजह अच्छा से सर वो दे नहीं पाए। अच्छा अच्छा SSC उसका भी सर वाले। रिजल्ट आ चुका है ना CGL का, टीयर हाँ जी, 2 का, हाँ वो क्लियर हो गया है। चलो, बहुत बहुत बधाई है, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। तो Tier 3 कब है थैंक या यू हो सर। गया Tier 3? सर TR3 हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा, Tier 3 हो चुका है, उसका रिजल्ट आना, तो उसके बाद फिर Tier 4 भी है क्या? जी सर, थैंक अच्छा, Tier, चलो बेस्ट ऑफ लक सारे Tiers के लिए, सब जब क्लियर हो जाए तो बताना यू सर, जरूर। थैंक अच्छा, यू सर। इसके अलावा तो इस साल भी आप मतलब PO वाले एग्जाम्स दोगे, है ना? PO जी के जी जो सर, बैंक बिल्कुल के एग्जाम्स है, सर, जी सर। बिल्कुल दोगे। तो अभी आप करेंटली जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, तो लास्ट ईयर से इस ईयर क्या आपने प्रिपरेशन के अंदर, क्या इतना तैयारी करने के बाद, आपको 1.5 साल हो चुका है तैयारी करते हुए, क्या 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 सुधार देखा है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको एक एक दो दो साल हो जाता है और एक तरह से स्टक हो जाते हैं अपने खुद के ही प्रोसेस के अंदर, कि सर ना कोई ग्रोथ हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी तरह का, कोई एग्जाम देते हैं उतनी मार्क्स से हर बार रह जाते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया है तो लगातार आपने इम्प्रूवमेंट किया अपने प्रिपरेशन में, तो जो बच्चे स्टक हो जाते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि जिससे कि वो साइकिल से निकल पाए और इम्प्रूव कर पाए? सर जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सर एकदम बेसिक लेवल से करते हैं, फिर जब थोड़ा आगे आते हैं तो हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम को, प्री के मेंस के, तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमें ये भी पढ़ना है, अभी ये तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। वो सारी चीजें सर जब हम करने लगते हैं आगे, तो फिर हमें ये भी देखना होता है कि सर जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल एनालाइज बहुत करना जरूरी है सर, क्या पूछा जा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एनालाइज करो, उसके बाद सर जो पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर साल सर कुछ नया पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। जी हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे एडवाइस दिया सोनाली ने। और साथ ही साथ इसके अलावा आप लोगों की अगर कोई क्वेरी रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जिससे भी मेरी कॉन्वर्जेशन होगी जिन भी कैंडिडेट से, उनसे वो एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा जो मैं भी नहीं पूछ पाया। तो सोनाली, जाने से पहले एक बार अपने जो फाइनल जो आप विजडम वर्ड्स जो कह सकते हैं या फिर मोटिवेशन या जो भी आप अपनी तरफ से एडवाइस सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं जो इस साल जिनका सपना है कि बैंक में नौकरी लेनी लेनी है, इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी लेनी लेनी है, और तो उनको आप क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे जाने से पहले, वो बोल दीजिए। सर देखो सर, कंसिस्टेंटली तो हमें पढ़ना ही है सर, आपका तो सर इधर कोई भी वीडियो ऐसा स्टार्टिंग ही आप यहाँ से करते हैं क्लास में, कि हमें कंसिस्टेंटली तो प्रिपेयर करना ही है सर, प्रिपेयर तो करना है, बट सर हमारे कॉम्पिटिटर को हमें बताना नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं सर, साइलेंटली अपना पढ़ना है, फिर सर रिजल्ट खुद बता देगा कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो साइलेंटली पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, कोशिश यही करो कि हमेशा इंप्रूव जी करते रहो, और कंसिस्टेंसी, जैसे सोनाली ने कहा कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना उनमें ये पॉइंट कॉमन होता ही होता है, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लेता है, कोई 10 घंटे पढ़ के लेता है, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है पूरे, और वही कंसिस्टेंसी अगर आप बिल्कुल बना के रखोगे तो आई एम श्योर कि
कि नेक्स्ट ईयर मैं आप में से किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा या उनके साथ इस तरह की कॉन्वर्जेशन कर रहा, तो जो जो चीजें सोनाली ने शेयर की उनको सीरियसली लीजिएगा। अच्छे कैंडिडेट हैं, अभी भी प्रिपरेशन कर रही हैं, लास्ट ईयर उन्होंने पीओ का कोई एग्जाम नहीं दिया था, स्टिल इतना अच्छा कि उन्होंने जो भी एग्जाम दिए सब में ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स क्लियर किए, एंड आई एम श्योर कि इस साल भी सोनाली जो भी एग्जाम्स देंगे उनमें बहुत बढ़िया करेंगे। थैंक्स अ लॉट सोनाली जुड़ने के लिए, और जितने बच्चे हैं आई एम श्योर कि एक भी बच्चे को आपकी बात से अगर हेल्प होती है तो हमारे लिए ये जो सेशन है ये एक सक्सेस है ना। जी सर। तो सेशन में एक बार कंक्लूड करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो ठीक है गाइस, तो सभी को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेशन होती है ना ये किसी को भी किसी भी पॉइंट पे, स्पेशली जो बच्चे लो पॉइंट पे होते हैं ना, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी होती है ना, अप्स एंड डाउन्स तो बड़े कॉमन रहते हैं। किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि आप सारे एग्जाम निकाल दोगे, किसी दिन ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने से कभी नहीं हो पाएगा। तो ये जो छोटी सी चीजें है ना ये मोड ऑफ इंस्पिरेशन बन जाती है, बच्चों को अपलिफ्ट करने में बड़ा हेल्प करती है। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर करें जिससे कि बच्चों को एक रास्ता मिले, एक एडवाइस मिले, एक मोटिवेशन मिले और अच्छा करने की, ठीक है? नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।